इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि 4-5 साल कोई भी शेयर होल्डर रिटर्न नहीं देती, लेकिन उनके अगर फंडामेंटल्स एकदम से चेंज हो जाएं तो हिस्ट्री ये कहती है कि उन्होंने शेयर होल्डर्स को भर के रिटर्न दी है आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो उसमें से एक कंपनी जो कि मेरी नज़र में इस टाइम है वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। कंपनी की मैनेजमेंट इंटरव्यूज अगर आप पिछले 5 साल की देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक एग्रेसिव अप्रोच नहीं दिखेगी, लेकिन पिछले 1 साल की अगर आप स्टोरी को चेक करें तो मैनेजमेंट एकदम ही इंडिया के लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग सेक्टर के अंदर अपनी एग्रेसिव अप्रोच अनाउंस कर चुकी है, और हर क्वार्टर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स कंपनी कर रही है जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश होना शुरू हो चुका हूँ। रीज़न बीइंग, रीसेंट क्वार्टर के अंदर कंपनी ने डाउ केमिकल, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट केमिकल कंपनीज हैं, उसको एक वेयर हाउसिंग एग्रीमेंट के अंदर उतारा है, जिसके अंदर डाउ केमिकल के जो एक सबसे ज़्यादा हजार्डियस केमिकल्स होते हैं जिनको एक सेफ प्लेस में रखना होता है, और वो एक ऐसे वेंडर्स के साथ ही पार्टनरशिप करेंगे जिनके साथ एक मार्केट के अंदर ट्रस्ट कैपेबिलिटी जैसी गुडविल बनी हो। तो उन्होंने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को चूज़ किया है, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट होते हैं जो कि सक्सेसफुली अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो कंपनी और भी इनको बिजनेस देती है, और ये बिजनेस अगर हमारा सही चल जाए तो इंडिया की बाकी केमिकल कंपनीज भी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के साथ जुड़ जाएंगी, जो कि एक पॉजिटिव हमारा बिजनेस सेगमेंट बन सकता है। प्लस इंडिया के अंदर कुछ ही कंपनीज हैं जो कि अपने ईआरपी सिस्टम पे काम कर रही होती हैं, क्योंकि एक ये एंटरप्राइज सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, और इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से हमारे ट्रेडिशनल पुराने प्लेयर्स इसको प्रोवाइड नहीं कर पाते अपने बिजनेस के अंदर। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने अपनी इस क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर लेटेस्ट ईआरपी सिस्टम भी अपना इम्प्लीमेंट कर दिया है, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स अगर मार्केट के अंदर आपकी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हो अपने बिजनेस के अंदर तो वो अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे सस्टेनेबल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिससे कि आपको डेटा एनालिटिक्स और कंपनी की प्रोजेक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेमवर्क में आ जाती हैं। तो जो कंपनीज अपने ईआरपी सिस्टम्स पे भी काम कर रही हैं और अपनी मैनेजमेंट कमेंट्रीज के अंदर एग्रेसिव अप्रोच लेके बैठी हुई हैं उन पे मैं साफ नज़र बना के बैठता हूँ, क्योंकि ऐसे सिस्टम्स को प्लेस करने के लिए आपकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको अगर आपको बिजनेस एक्सपेंस में डालना है के वजह से अगर आपका बिजनेस ग्रो होता है तो हिस्ट्री ये कहती है कि जिन कंपनीज ने अपने आईटी बैकएंड ऑपरेशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उनके बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और इन टर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर जो आपके कस्टमर्स होते हैं अगर उनको आप ये डेटा प्रोवाइड कर दें अपने एनालिटिक्स चला के तो ऐसी कंपनीज के साथ वेंडर्स भी जुड़ जाते हैं। तो मैं इस कंपनी को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, और आप भी इस कंपनी को नोटिस करें। थैंक यू।